हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों तक रियलमी बड्स वन यूज़ करने के बाद और उसके अच्छे एक्सपीरियंस के बाद वक्त आ गया है रियलमी बड्स टू पे अपग्रेड करने का। तो चलिए शॉप करते हैं और यहाँ पे हमें ये मिल रहा है 599 रुपीज़ में, इसे करते हैं बाय नाउ। तो आ गए हमारे पास हमारे रियलमी बड्स टू के ईयरफोन्स, तो लेट्स अनबॉक्स। सो ये रहा हमारा रियलमी बड्स 2 का बॉक्स, जिसमें हमें मेंशन किया गया है इसके कुछ फीचर्स इसके बैक साइड पर। तो देखते हैं क्या है इसमें फीचर्स। यहाँ पर है 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइवर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही हमें मिल रहा है बिल्ट इन मैगनेट्स और है यहाँ पे डुअल एंटी ट्यूनिंग केबल, जिससे कि आपके जो केबल्स हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे। और हमें दिया जा रहा है केबल ऑर्गेनाइजर और इसकी MRP है 799 रुपीज़, बट आप इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आसानी से 599 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। तो खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं क्या है बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो करते हैं इस बॉक्स को ओपन और हमें यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है एक और बॉक्स, जिसमें रखा हुआ है हमारा रियलमी ईयरबड्स 2 और इसके साथ ही हमें दिए जा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो इस तरह के पैकिंग में आते हैं। और इसके नीचे रखा हुआ है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, देखते हैं खोल के क्या है इसमें। तो यहाँ पे मेंशन है हमें वारंटी, हमारे ईयरबड्स 2 की वारंटी है और इसके साथ कुछ नोट्स हैं। और इसके बैक साइड पे हमें देखने को मिल रहा है इंस्ट्रक्शन हाउ टू यूज़ द ईयरबड्स। सो यहाँ जो ईयर टिप्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो आते हैं दो अलग अलग साइजेस में, जिसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। और अब निकालते हैं अपने रियलमी ईयरबड्स 2 को बॉक्स से बाहर। और इसमें दिया गया है बिल्ट इन मैग्नेट्स, जैसा कि बॉक्स में मेंशन था। इससे आपको इसको कैरी करने में थोड़ी मदद मिलेगी। और यहाँ पे है केबल ऑर्गेनाइज़र येलो कलर की, जिससे कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और ये केबल क्वालिटी बहुत अच्छी है इस ईयरबड्स की। इसे अगर कंपेयर किया जाए रियलमी बड्स 1 से, तो इसके शेप में चेंजेस किए गए हैं। और रियलमी बड्स 2 में जो कलर्स दिए गए हैं, यहाँ प्लस माइनस साइन के लिए भी कलर का यूज़ किया गया है, जो कि बड्स 1 में हमें देखने को नहीं मिलता था। और इसके पीछे मिलती थी हमें रियलमी की ब्रांडिंग, जो अभी देखने को नहीं मिल रही है। और इसके साइड में भी हल्की सी आपको एक लाइन दिख जाती है येलो कलर की, जिससे ये काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है। और यहाँ नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है 3.5 mm की ऑडियो पिन, जहाँ प्लास्टिक की हाउसिंग के साथ हमें पिन देखने को मिलता है, जो कि गोल्ड प्लेटेड नहीं है। और ये जो पिन है वो एक स्ट्रेट पिन है, एल शेप में नहीं आता है। अगर एल शेप में होने पर हमें कुछ फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जैसे गेमिंग और वीडियो देखने में हमें थोड़ी मदद मिल जाती है, पर वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। और ये केबल ऑर्गेनाइज़र काफ़ी मदद करता है हमारी हमारे केबल को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने में। कुछ इस तरीके से आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने बैग में या और कहीं भी काफ़ी आसानी से आप इसे रख सकते हैं। साथ ही इन ईयरबड्स के ऑरेंज और ग्रीन कलर वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, बट सिर्फ ब्लैक ईयरबड्स में हमें दो कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और येलो देखने को मिलता है, जो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। एट द एंड अगर हम इसकी खूबियों की बात करें, तो इसमें बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका ट्रेबल और इसमें मिड साउंड भी बहुत अच्छे हैं। और ये बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स हैं। सो ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू रियलमी बड्स 2 के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.